पिता परमेश्वर सुत प्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर तेरी स्तुति हो महिमा गान हो तेरी प्रशंसा भी हो आराधना 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 पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 92 में वचन कहता है कि प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है, सर्वोच्च ईश्वर तेरा नाम का भजन गाना कितना अच्छा है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस सुंदर दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, इस परम प्रसाद में उपस्थित हमारे ईश्वर को जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, जिसने अपना लहू बहाया, जिसने अपने लहू से हम सब को मुक्त किया, हम सब का उद्धार किया। आइए आज उस ईश्वर को धन्यवाद दें, उस ईश्वर के सामने अपनी सारी परेशानियां रख दें इस समय। Yes, Lord. उसके पवित्र लहू, उसके निर्दोष लहू के सामने सारे पाप, सारे रोग, सारी परेशानियां रखें और उससे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर के पुत्र यीशु, तेरे लहू से आज मुझे धो दे प्रभु। क्योंकि वचन कहता है एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 2, आप लोग पहले दूर थे किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए आज उसके इस रक्त से हम ईश्वर के करीब आए, उससे धुल जाने के लिए विनती करें, उस लहू के वसीले हमारे पापों के लिए क्षमा मांगे। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। आइए फिर से गाएं। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जा जो ना हो, येसु का खून मांग ले, दर्द बयां जो न हो, येसु का खून मांग ले, दिल को सकू जो न हो, येसु का खून मांग ले, दिल को सकू जो ना हो,
यीशु का खून मांग ले, बहता लहू बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। यीशु तेरा नगर हालेलुया महिमा हो स्तुति हो। संत पैतृस का पहला पत्र अध्याय 2 में वचन कहता है, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया हालेलुया। हाँ क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, हम हमारे प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, उसके घाव के द्वारा भले चंगे हुए हैं। आइए इस समय हमारे शारीरिक बीमारियों को, हमारे मानसिक बीमारियों को, हमें जो भी परेशानियां हो इस सांसारिक जीवन में, जितनी भी दुख हैं, सबको इस समय उसके पवित्र लहू में समर्पित करें। उसके पवित्र लहू से उसे दूर ढालने के लिए प्रार्थना करें। अपनी नजात दिलाता लहू, यीशु खुदा है बताता लहू, बदरू हमारे भगाता लहू, मुर्दों को जाने दिलाता लहू, अंधों को दृष्टि दिलाता लहू, जामे शिफा बन जाता लहू, पाक यहोवा मिलाता लहू, बंधन तोड़े दिखाता लहू, पापों की कीमत चुकाता लहू, कितने ही रोग मिटाता लहू, पापी को रास्ते बनाता लहू, गिरतों को फिर से उठाता लहू, बल दे के हम भी सुनाता लहू, यीशु सही माँ दिलाता लहू, फतेह सलीब ले आता लहू, कैंसर को जड़ से सुखाता लहू, कीमा को ताजा बनाता लहू, लंगड़े को चलना सिखाता लहू, यीशु की फितरत दिलाता लहू, कुदरत से भलता ही जाता लहू, रूहे कुदस से मिलाता लहू, दूतों को हरकत में लाता लहू, लहू 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 यीशु का लहू, बेदाम लहू, बेऐब लहू, बेपाक लहू, बेपाप लहू, आगाज लहू, अंजाम लहू, बल देता लहू, सादाब लहू, कुवत है लहू, कुदरत है लहू, मुदरत है लहू, नुसरत है लहू, यीशु का लहू लहू लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू तेरे।
हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए सुसमाचार सन मार्कुस से है, अध्याय 3 पर संज्ञा 7 से लेकर 12 तक। ईसा ने अपने शिष्यों के साथ समुद्र तट गए, गलीलिया के विशाल जनसमूह के पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमेया, यर्दन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र है, किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में मुख्यतः 3 बातों को हम सुनते हैं। हमने सुना कि प्रभु को सुनने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पास आया कर आने लगे थे। इतने सारे लोग गलीलिया के आसपास के सभी प्रांतों से प्रभु को सुनने और उनके चमत्कारों को देखने या अनुभव करने के लिए वहां पर एकत्रित होने लगे थे। दूसरी बात हमने सुना कि अबदूद ग्रस्त लोगों को चंगा करते समय अबदूद लोग उन्हें ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लिया था। और तीसरी बात है कि प्रभु उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि मुझे व्यक्त मत करो, मेरे बारे में लोगों को मत बताओ। तो 3 मुख्य बातों को आज के सुसमाचार में संत मार्कुस हमारे सामने रखते हैं। तो प्रथम बात जो भीड़ की है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। ऐसा कहा जाता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। जितनी बड़ी भीड़ तो उसका चेहरा उतना गुम हो जाता है। और इस भीड़ को आजकल हमारे नेता बहुत मिसयूज करते हैं, भले पॉलिटिकल स्फीयर में हो या धर्म के क्षेत्र में भी, हम इस प्रकार भीड़ को मिसयूज करते हुए लोगों को देखते हैं, क्योंकि भीड़ सोचते नहीं, समझते नहीं, और जो भीड़ को कहा जाता है या उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता है उसी के अनुसार वह कार्य करते हैं। अगर भीड़ में कुछ लोग खुद का सोच रखते भी हो, उसका कोई तवज्जो नहीं होता है। अक्सर भीड़ को इस्तेमाल किया जाता है धार्मिक उन्माद भटकाने के लिए, भीड़ का इस्तेमाल किया जाता है अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए, भीड़ को इस्तेमाल किया जाता है। जो कोई नेता समझते हैं कि भीड़ को किस प्रकार इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, वे अपने अपने स्वार्थ के लिए इस भीड़ को इन्फ्लुएंस करते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हम लोग भी ऐसे भीड़ के हिस्से हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा इस परिप्रेक्ष्य में कि हम खुद के सोच रखें, भले हमारे नेता कुछ भी हमारे सामने बातों को रखे, उन चीजों को परख कर अपनी बुद्धि से उस पर हम लोग अमल करें, ये बेहद जरूरी है। इस्तेमाल नहीं किए जाने के लिए
खुद का सोच रखना बेहद जरूरी है। तो वो रही भीड़ की बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि प्रभु ने अनेक व्यक्तियों को अवधूतों से निकाला था। अवधूतों से निकालना एक बात होती है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, अब ईश्वर के पुत्र है। प्रभु को सटीक पहचानते हैं अशुद्ध आत्माएं। प्यारे भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि जो अशुद्ध आत्माएं होते हैं वो सच को नहीं जानते हैं, सच को नहीं अपनाते हैं। वही हमारे बीच में भी हम लोगों को देखते हैं जिन्हें हम इतने अच्छे नहीं मानते हैं। वे ऐसा नहीं है कि सच को नहीं जान पाते हैं, लेकिन उन्हें अपनाते नहीं है। यहां पर अशुद्ध आत्माएं प्रभु को देखा था, पहचाना था, पर उन्होंने उनको अपने जीवन में, अपने जीवन का एक प्रकार पूरा अधिकार देने के लिए इनकार करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम लोग सच को जानकर सच को जब दबा देते हैं, या हम लोग असत्य के लिए हमारी तरफ से झुकाव होता है, तो हम उन अशुद्ध आत्माओं के जैसे हैं। और तीसरी बात है कि प्रभु कहते हैं कि मुझे व्यक्त मत करो। कहने का तात्पर्य है कि मेरा प्रचार मत करो। वे अशुद्ध आत्माओं को डांटते हुए कहते हैं, मैसियानिक सीक्रेट इसको कहा गया है ईश शास्त्र में। प्रभु अपने आप को व्यक्त ना करने के लिए चंगाई किसी को देने की बात कहते हैं, और वह अशुद्ध आत्माओं को भी कहते हैं। और हम ऐसे जगह पर प्रभु को यह कहते हुए भी पाते हैं कि जाकर मेरे प्रचार करो, मेरे वचनों का प्रचार करो। द मिशन मैंडेट इन तमाम बातों के विपरीत है कि दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। और यहां पर प्रभु स्वयं कहते हैं कि मुझे व्यक्त ना करो। दोनों आपस में विरोधाभास जैसे हमें लग सकता है, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, कि प्रभु ने प्रभु को जिसने भी अनुभव किया है वह उनका प्रचार करते आए हैं, प्रभु के समय में भी और अभी भी। जो लोग प्रभु का विरोध करते हैं उन्होंने कभी प्रभु को अनुभव नहीं किया है। आज हम विशेष रूप से हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे विरुद्ध कार्य करते हैं, विरोध में हैं, ऐसे लोगों को प्रभु का अनुभव होने के लिए प्रार्थना करें। कीमती है प्रभु, हाँ प्रभु जी, तेरा लहू बड़ा कीमती है, यस लॉर्ड, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, यस लॉर्ड, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा
कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्यारे भाई और बहनों, जब मिस्र देश में इसराइल की जनता गुलामी कर रही थी और जब प्रभु उन्हें वहां से निकाल रहे थे, उस आखिरी रात के दिन प्रभु ने कहा था उनसे, मेमने का वध करते हुए मेमने के रक्त को अपनी दरवाजे के ऊपर, कवाड़ के ऊपर लगा देना। जब एंजल ऑफ डेथ मिस्र देश में सभी पहलौठों का अंत करेगी, तब तुम्हारे परिवार में वह प्रवेश नहीं करेगा। आज उस मेमने के रक्त से भी ज्यादा हम ईश्वर के मेमने के रक्त के बारे में एक क्षण मनन करें। संत योहन जब प्रभु येसु को देखते हैं, तो संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 में वे कहते हैं, देखो यह ईश्वर का मेमना। प्रभु येसु ईश्वर का मेमना है। Yes, Lord. उसके पवित्र रक्त में इतना सामर्थ्य है कि वह हमें मृत्यु से बचा सकता है। Amen. जब हम पाप करते हैं और पाप का वेतन मृत्यु हम स्वीकार करते हैं, तो उस मृत्यु से हमें बचाने के लिए केवल एक ही चीज है, वह है प्रभु येसु का पवित्र लहू। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें, प्रभु आपके पवित्र लहू से मेरे पूरे मन को, मेरे पूरे जीवन को, शरीर को, आत्मा को, मेरे सारी सोच को, मेरे सारे शब्दों को पवित्र कर दे प्रभु, क्योंकि पाप का डाग केवल आपका पवित्र लहू ही मिटा सकता है। अगर हमारे अंदर बहुत सारे गिल्ट फीलिंग्स है, आज हम इस पवित्र आराधना में प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें, आपके पवित्र लहू से मुझे धो दीजिए। हम विश्वास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके पवित्र लहू में इतना सामर्थ्य है कि वह हमें चंगा कर सकता है। इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई बेंजामिन लोपेस के लिए और एंसिल के लिए प्रभु जी, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के कैंसर की आशंकाओं से भी इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते विशेष रूप से जो ब्लड कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी, जिनके काउंट्स कम होते जा रहे हैं प्रभु जी, या बहुत अधिक बन रहा है, ओ प्रभु आपका पवित्र लहू उनके रक्त में मिल जाए प्रभु जी और उन्हें पूर्ण चंगाई प्राप्त हो। हम प्रार्थना करते हैं रेखा एक्का के लिए प्रभु जी, हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से, आस्मा से उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं संजीता टिर्की के लिए प्रभु जी, हर प्रकार के गर्दन के दर्द से उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से ओम प्रकाश वारकड़े के लिए प्रभु जी, हर प्रकार की किडनी से संबंधित इनके शरीर की बीमारियों में आपकी आशीष हो प्रभु। प्रभु जी ऐसे कई लोग हैं जो किडनी डिसीज के कारण बीमार है प्रभु जी, गॉल ब्लैडर स्टोन से पीड़ित है प्रभु जी, किडनी स्टोन से पीड़ित है प्रभु जी, इन सबको समर्पित करते हैं प्रभु। आपका सामर्थ्य इनके शरीर में उतरे प्रभु जी, हर प्रकार के किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्रिएटिन प्रॉब्लम्स, यीशु आपके पवित्र लहू के सामर्थ्य से इनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। इसके लिए हम स्तुति करें, हालेलुया। By the power of the precious blood of Jesus, that every form of sickness is gone away. We completely Teri stuti 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 stuti. O pavitra lahu aapki aaradhana. Teri stuti 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 stuti. Aapke samarthya mein hum vishwas karte hain. We trust in the precious blood of Jesus. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tune wo lahu bahaya hai. सारी दुनिया को बचाया है। Yes, Lord. तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से कुछ मांगा,
हाँ प्रभु, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, प्रभु जी, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 में प्रभु येसु के मृत्यु के बाद जब एक सिपाही भाला लेकर उनके हृदय को छेदित करता है, वहां से अंतिम बूंद रक्त और पानी बहता है। प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन का सब कुछ, आखिरी बूंद रक्त भी प्रभु ने हमारे लिए बहाया है। आमीन। हम उस पवित्र लहू की आराधना करें जो गेत्सेमन के बाग में प्रभु ने हमारे लिए बहाया था। कोड़ों के मार से उसके शरीर से बहे हर एक बूंद की हम आराधना करें। क्रूस ढोते वक्त जब भी वह गिरा, उस रक्त के अभिषेक के शक्ति से हम प्रार्थना करें। कांटों का मुकुट जब उसने सिर पर रखा, उस घाव से बहे हर एक बूंद रक्त की हम आराधना करें। क्रूस उठाते वक्त कंधे पर जो घाव हुआ, उस घाव की आराधना हम करें। जब उनके हाथों में और पैरों में कीले लगे, वहां से बहे हर एक बूंद की हम आराधना करें। क्योंकि यह एक निरे मनुष्य का रक्त नहीं बल्कि ईश्वर का रक्त है। उस रक्त में जीवन है, उस रक्त में सामर्थ्य है। वह रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। प्रभु के पवित्र लहू की हम आराधना और स्तुति करें। प्रभु ने संत फौस्टिना से कहा था, रोज 3 बजे मेरे पवित्र लहू की आराधना करें। आइए उस पवित्र लहू पर विश्वास करते हुए मुझे, मेरे परिवार को, मेरे शरीर को, मुझसे जुड़े हुए हर एक चीज को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक दे। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार का कर्ज, हर प्रकार की नकारात्मक चीजें हमारे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए प्रभु जी। हर प्रकार की बुरी आदतें हमसे छूट जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जूली के लिए प्रभु जी, जो जॉन्डिस से बीमार है प्रभु, जिनके शरीर में गॉल ब्लैडर स्टोन है प्रभु जी, पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी दिलीप मिंच के लिए, प्रदीप तिर्की के लिए, रेनी मार्विन के लिए प्रभु जी, नितिन के लिए, नवीन के लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार के नशे की आदतों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से प्रीति के परिवार के लिए प्रभु जी। प्रभु जी इनके परिवार में शांति हो प्रभु जी, आपकी आशीष हमेशा हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं नील और आकांक्षा एक्का के लिए, इनके वैवाहिक जीवन में प्रभु जी हर प्रकार के अड़चनों को हटाकर प्रभु इनके परिवार को आशीषित कीजिए प्रभु जी। विकास के परिवार को समर्पित करते हैं, हर वो परिवार जो टूटने के कगार पे है, जो सेपरेटेड है, जो डिवोर्स करने जा रहे हैं, जहाँ पर अशांति है, उन सारे परिवारों को हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र लहू का बाड़ा हम बांधते हैं प्रभु जी। हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार की नेगेटिव चीजों से, बुरी शक्तियों से हमारे परिवार को बचा कर रखिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16:20 का वचन, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। इस वचन की योग्यता से हमारे परिवार के हर नकारात्मक चीज हट जाए प्रभु जी। रिश्तों में दरारें हो तो वो हट जाए प्रभु जी, जहाँ पर प्रेम का अभाव हो वो हट जाए प्रभु जी, बेरोजगारी हट जाए प्रभु जी, हर प्रकार की विपत्ति हट जाए प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस आशीष के दौरान हम विशेष रूप से प्रार्थना करें प्रभु, आपकी आशीष और आपकी कृपा हमारे परिवार में हो, हर प्रकार की नकारात्मक चीज हट जाए।
हालेलुया 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 आराधना 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 हो हालेलुया आराधना हालेलुया क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है।